में हाल चाल इन उम्मीद करेंगे तो सब ठीक ठाक हो, सो खैर नाल हो, सो खुश पे बसते हो। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज आसमान भी बादल आए हुए हैं और आप देख सकते हैं सूरज भी आज आंख मचोली खेल रहा था। सुबह से कभी छुप जाता है बादलों में, कभी निकल आता है, तो बहुत ही दिलकश मंजर जो है वो पेश कर रहा है, क्योंकि सारा दिन ना ही ज़्यादा गर्मी थी और ना ही ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि जब भी बादल होते हैं तो ठंड जो है वो बहुत ही कम होती है, और बहुत ही हमने आज इन्जॉय किया। तो पहुँचे हम दूसरे घर, तो मैं सोच रही थी कि पहले चाय पी लेंगे, लेकिन चाय अभी बनी नहीं है, तो पहले बाहर चलते हैं और थोड़ा सा बाहर का आप लोगों को व्यू कराती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैं भी नहीं गई। आज मेरा दिल कर रहा है क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं काफ़ी बादल आए हुए हैं आसमान पर और काफ़ी ज़बरदस्त मौसम है ये, तो अभी जो है चलते हैं बाहर और फिर आप लोगों को बाहर की सैर कराते हैं। बाहर निकल आए, फिर आबिया ने जो है वो चाय बनाई थी, चाय पी के हम बाहर आए हैं। थोड़ी सी मैंने टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाई हैं और अभी जो है आप लोगों को दिखाऊंगी कि अभी हमारा चारा जो है वो ख़त्म हो गया और बहुत छोटा छोटा है, क्योंकि आपको पता है कि कोहरे की वजह से जो है, क्योंकि कोई भी दरख्त हो या कोई भी फसल हो, जब उस पर कोहरा, कोहरा हमारी सराइकी ज़बान का लफ्ज़ है, जब थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी होती है, बर्फ़बारी तो नहीं होती व्यूअर्स, वो जो शबनम गिरती है ना, तो इतनी ठंड होती है और वो जम जाती है पत्तों के ऊपर, उसको हम कहते हैं जी कोरा, तो उसकी वजह से फिर जितना भी घास वगैरह है सामने आप देख सकते हैं कि बिल्कुल येलो कलर का भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो उसकी वजह से ना घास वगैरह जो भी चीज़ होती है जल जाती है, इवन के हर चीज़ की ग्रोथ जो है व्यूअर्स वो रुक जाती है, तो इस वजह से अभी चारा जो है बहुत छोटा है। और आबिया की अम्मी की रोज़ाना यही शिकायत होती है कि सारा दिन मुझे चारा काटने में लग जाता है, क्योंकि छोटा चारा है, घास है, तो उसको जो है काटने में थोड़ी मेहनत लगती है व्यूअर्स। तो अभी आप देख सकते हैं व्यूअर्स के सरसों पे जो है वो फूल आ चुके हैं, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैं पहले जब आई थी तो उस टाइम थोड़े थोड़े फूल आए हुए थे, आज आप देखें कि उस पर कितनी ज़्यादा फलियाँ भी आ चुकी हैं, ये देखें सरसों के ऊपर व्यूअर्स, ये देखिए। तो ये ऐसे ही होता है, इसके जो है वो फूल ऐसे जो है इसमें लगते हैं, तो जैसे जैसे फूल जो है वो मतलब कन्वर्ट होते रहते हैं फल में, तो इसी तरीके से ये जो है वो सरी की सूरत में इस पर जो है सरसों लगती है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त जो है वो आपको आप यह दिखाएगी कि अभी थोड़े थोड़े गन्ने नज़र आ रहे हैं, बाकी जो है व्यूअर्स गन्ने भी कट चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे थे, देख रहे हैं आस पास जो है आप लोगों को बिल्कुल व्यूअर्स नज़र आ रहा होगा। पहले जब मैं आया करती थी तो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे बिल्कुल छोटी सी जगह है, आज आप देखें तो आपको कितना खुला मैदान नज़र आ रहा है। जी तो व्यूअर्स, आप लोगों को कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बाहर निकलती हूँ, और यकीन जाने व्यूअर्स इस टाइम यानी कि कह लें कि चाय का टाइम यानी कि 2-3 बजे का टाइम है, 3 बज चुके होंगे, तो इस टाइम अगर आप बाहर हैं आप इस साइड पे आ जाओ, उस साइड पे फिर सही नज़र नहीं आ रहा। जी
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ज़बरदस्त व्यूवर्स, इतना आँखों को ठंडक पहुँचती है और ज़बरदस्त माहौल होता है। और आजकल तो व्यूवर सरसों के फूलों की महक बड़ी ज़बरदस्त आती है, सुबह सुबह तो इनकी ज़्यादा होती होगी, हर फूल की महक तो ज़रूर होती है, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे सरसों का हो, चाहे चमेली का हो, हर फूल की अपनी ही कशिश, अपनी ही महक होती है, हर कलर में अपना ही रंग है, अपना ही मज़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज व्यूवर सुबह से जो है ना बादल आए हुए थे और थोड़ा थोड़ा जो है कह लें थोड़ा थोड़ा धूप, कभी बादल कभी धूप, और इस तरह का माहौल था तो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो मैंने सोचा आज जाके जो बाहर वीडियो में थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ डेली बेस पे, आप लोगों को घर दिखा दिखा के, मेरे देखने वाले कहीं बोर ही ना हो जाए। तो अभी मैं बाहर आई हूँ तो यकीन करें दो मरतबा स्नान लोग पीछे से आए हैं और उनको जो है अपनी चाची लेके गई हैं, क्योंकि काफ़ी जो है वो यहाँ पे ठंड है, स्नान की जो है वो कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और इस वजह से मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी थी, क्योंकि उसने जो है बहुत ज़्यादा उसको यानी कि उल्टियाँ और मोशन थे, तो जिस वजह से जो है मैं काफ़ी खुद भी परेशान थी, तो इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना सकी। मैंने कहा आज चलें अपने व्यूवर्स के लिए ज़रूर मैं व्लॉग जो है अपलोड करूँगी, बनाऊँगी। तो कैसा लगा आप लोगों को बाहर का व्यू व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद ही आती होंगी। अगर पसंद आया करें तो मेरे चैनल भक्कर को इनको सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि आपके लिए जो है ज़बरदस्त मैं वीडियोस लेके आऊँ। और आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, व्यू ज़रूर करते हैं, तो यकीन जाने लाइक किया करें, आप लोगों के लाइक से मुझे मिलती है हौसला अफज़ाई और जिससे मैं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग जो है वो लेके आती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, तो एक तरह से हमारे लिए जो हौसला होता है अफज़ाई होती है, आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत होता है। तो आप लोग लाइक कर दिया करें मेरी वीडियो पे और साथ में बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल ना भूला करें, उसकी वजह ये है कि आल पे प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो अमरूद आज मैं देख रही थी व्यूवर्स बहुत ही कम बच चुके हैं और आजकल जो है वो मुझे तो व्यूवर्स जब भी मैं तोड़ने आती हूँ कभी कभार बच्चों के साथ, तो मुझे तो कच्चे अमरूद ही मिलते हैं, लेकिन काबिर लोगों के चच्चू जब तोड़ के देते हैं तो काफ़ी मीठे अमरूद होते हैं, मुझे लगता है वो ऊपर चढ़ के या किसी तरीके से जो है वो तोड़ के देते हैं। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।